डेम्बा बमुमा को T20 फॉर्मेट से ब्रेक ले लेना चाहिए। हाँ और ना, क्योंकि वो कप्तान है। जब तक साउथ अफ्रीका जीत रही है मैच तो ना, अगर उनका, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में आप ना डिले करते जाएंगे उतना मुश्किल हो सकता है चेंज करने का। साउथ अफ्रीका के टीम मैनेजमेंट यही होप करेंगे कि बमुमा अगले मैच में रन बनाएंगे। बांग्लादेश की टीम वापस मिनोस की तरफ बढ़ रही है। अगर ये मैच के बदौलत अगर आप देखे जाए साउथ अफ्रीका के साथ, तो फिर मेरा आंसर होगा हाँ। उनको ज़रूर इस फॉर्मेट में तो चेंजेस और बदलाव लेके आना पड़ेगा, यंग टीम को बिल्ड करना पड़ेगा और ज़्यादा मैचेस भी खेलना पड़ेगा बांग्लादेश के बाहर। साउथ अफ्रीका की इस धमाकेदार जीत ने भारत और पाकिस्तान को भी दबाव में ले दिया है। ज़रूर हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बहुत बढ़िया टीम है और सबको सब जानते हैं। भारत और पाकिस्तान की मैच, वो दोनों टीम ज़रूर साउथ अफ्रीका के साथ उनके ऊपर दबाव में रहेंगे। काइली रूसो ने शतक पूरा करने के लिए आखिर में धीमी बल्लेबाजी करी। ना, अगर आप हर बॉल को दूरबीन से अगर आप देखे जाएं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 था, तो बहुत बढ़िया बैटिंग। एंड्रिक नोकिया की रफ्तार से भरी तीखी गेंदबाजी बांग्लादेशी बल्लेबाजों को हजम नहीं हुई। हाँ, क्योंकि उनकी पहले से ही, अगर आप कोई भी तेज गेंदबाज हो तो बांग्लादेश बैट्समैन मुश्किल में पड़ते हैं, और इनका तो 150 स्पीड था, तो बहुत बढ़िया बॉलिंग डाले आज एंड्रिक नोकिया। हसन महमूद बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। हाँ, वो और टास्किन दोनों ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा मौका मिलना चाहिए बाहर खेलने का। बांग्लादेश में जब भी खेलते हैं ज़्यादातर स्पिन बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलर्स को लेते हैं और ज़्यादातर स्पिन बॉलिंग का अटैक होता है। जब तक बांग्लादेश बाहर ज़्यादा नहीं खेलेंगे और अपने होम ग्राउंड्स में भी पिचेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। अगर आपको बांग्लादेश के बाहर अच्छे तरीके से परफॉर्म करना हो तो फिर आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडनी के पिच पर तबरेज शमजी के तौर पर एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना रंग लाया। जरूर, साउथ अफ्रीका ने बहुत बढ़िया चेंज किया इस मैच में, कि इंगीडी को छोड़ के तबरेज शमजी जो रिस्ट स्पिनर है वो बहुत अच्छी तरीके से खेले, और सिडनी के पिच में परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर साउथ अफ्रीका, तो ये तो हाँ है।